डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो देखते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास क्या है। एब्सोल्यूट जीरो, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि एब्सोल्यूट जीरो पढ़ने के लिए या एब्सोल्यूट जीरो क्यों पढ़ा जा रहा है। तो ये इस वजह से पढ़ा जा रहा है कि साइंटिस्ट सोच रहे थे कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पर सबसे कम क्वांटिटी के अंदर चीजों को फ्रीज किया जा सकता है। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा टेम्परेचर निकाला जहां पर जितनी भी चीजें होती हैं उनका वॉल्यूम, जितने भी मेटल के टाइप्स हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर यानी 273.15 सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर तमाम मेटल के टाइप्स का जो वॉल्यूम होता है वो न होने के बराबर हो जाता है, उसे हम लोग एब्सोल्यूट जीरो के नाम से जानते हैं। अब ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो है, साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्यों पता लगाया? क्योंकि याद रखें कि साइंटिस्ट हर चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं। उन्होंने ये देखना चाहा कि आखिरकार ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पर मेटल की तमाम इकसाम न होने के बराबर हो जाए। तो 273.15 सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर जितने भी मेटल के टाइप्स हैं उनके पार्टिकल का मोशन जीरो हो जाता है या उनके पार्टिकल्स का मोशन रुक जाता है। यानी हम कुछ यूं लिख सकते हैं, ऑल पार्टिकल मोशन स्टॉप एट इस जगह पर एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर तमाम पार्टिकल्स का क्या हो जाता है, मोशन स्टॉप हो जाता है। ये यहां पर चलना बंद कर देते हैं। तो जब ये लोग यहां पर चलना बंद कर देते हैं तो उस टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो के नाम से जानते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अ सिंपल ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का एग्जांपल, अब गैस की जगह हम वेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहता है अ सिंपल ऑफ गैस कुड नॉट, यानी कि जो हमारे पास गैस का सिंपल है, गैस का सिंपल जो हमारे पास है, ये कुड नॉट टेक अप एनी वॉल्यूम, इसका कोई भी वॉल्यूम जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, कुड नॉट टेक एनी वॉल्यूम एट एब्सोल्यूट जीरो या 273.15 सेंटीग्रेड। यानी ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वॉल्यूम न होने के बराबर हो जाता है या किसी भी चीज का कोई वॉल्यूम होता ही नहीं है। तो इस वजह से हम इसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। एक और भी इसे हम लोग मजीद अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो इट इज पॉसिबल लोएस्ट टेम्परेचर, ये सबसे छोटा टेम्परेचर है जो पॉसिबल टेम्परेचर है, वो छोटा टेम्परेचर है। यानी कि सबसे कम से कम दर अगर कोई टेम्परेचर है हमारे पास तो वो 273.15 जो टेम्परेचर है ये सबसे छोटा टेम्परेचर पाया जाता है सेंटीग्रेड के अंदर। अच्छा, जब ये टेम्परेचर हमारे पास पाया जाता है तो फिर क्या होता है, कहता है कि इससे ज्यादा कोई भी चीज ना तो ज्यादा ठंडी हो सकती है या तो ऐसा हो जाएगा कि इसके अंदर एवरी सब्सटेंस एट 273 -273.15 सेंटीग्रेड पर हैज नो इंटरनल एनर्जी, यानी कि जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं तो उनके अंदर कोई भी इंटरनल एनर्जी नहीं होगी। किस जगह पर इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, जब वो इस टेम्परेचर के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट जीरो। एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास सिंपल सी, किस तरह से हमारे पास तीन स्केल है। ठीक है जी, इसे सोचेंगे हमारे पास तीन स्केल है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास जो स्केल है ये फारेनहाइट की, ये जो हमारे पास स्केल है ये सेल्सियस की, और ये जो हमारे पास स्केल है ये केल्विन की। हमारे पास मुकम्मल तीन स्केल्स मौजूद हैं।
अब जो हमारे पास सब्सटेंस है वो है वाटर, पानी, ठीक है जी। सबसे पहले हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मैं आप और हम सब जानते हैं कि सेंटीग्रेड के अंदर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, और जब इसके अंदर आ जाएंगे तो ये 373 बन जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि इसको प्लस करते हैं तो इस वजह से, और इसके अंदर इतना हो जाएगा 212। और इसी तरह से फिर इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब जो वाटर का हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है, आपको पता है कि सेंटीग्रेड में कितना होता है, 0, और हमारे पास जो फारेनहाइट स्केल है इसके अंदर क्या होता है, 32, और इसके अंदर क्या होता है, 273.15 इसके अंदर होता है। अब जब माइनस में वैल्यू चली जाए सेंटीग्रेड के अंदर, कितनी, -273.15 जब इसके अंदर वैल्यू चली जाए, तो ये वाला जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर अब फ्रीजिंग भी हो गया, अब निग्लिजिबल टेम्परेचर हमारे पास आ गया। तो ये वाली वैल्यू जब माइनस में ये चला गया तो केल्विन इस जगह में क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, और सीधी बात है फारेनहाइट की वैल्यू तो मजीद उसके अंदर चली जाएगी नेगेटिव में, तो तकरीबन ये 459 माइनस में चली जाएगी। तो ये वाला टेम्परेचर जिस जगह पर हमारा वाटर जो है इसका जो वॉल्यूम है ये नेग्लिजिबल हो जाए, 0 पे ये क्या हो जाएगा, 0 पे ये फ्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, पर जब इस टेम्परेचर के ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट 0 कहेंगे। एक सिंपल सा ग्राफ बना के देखते हैं कि किस तरह से बनता है। ऐसे सोच रहे हैं कि ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये हमारे पास टेम्परेचर है, वो हमारे पास वॉल्यूम था और ये हमारे पास टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर हमारा इस तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम हमारा इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। ये 0 है, ये माइनस 300, माइनस 200, माइनस 100, ये 0, ये 100, 200 एंड 300, सो ऑन। इसी तरह से अगर इस तरफ जाए तो हमारा वॉल्यूम जो है वो कितना बढ़ रहा है, 100, 200, 300, 400, ठीक है। ये एग्जांपल ले लें कि इस तरह से हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है और इस तरह से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब जे वाली जो जगह है यहां पर जो हमारा वाटर है वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। लेकिन जे कहता है कि यहां से हमारे पास एक एरो आ जाए जो यहां तक तो ठीक रहेगा, क्योंकि 100 तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये जो जगह गुजरेगी, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर 273.15, तो इस जगह पर जब हमारे पास आएगा हमारा टेम्परेचर, तो ये वाला पॉइंट 273.15 हमारे पास क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट 0 कहलाएगा, एब्सोल्यूट 0 कहलाएगा, ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट 0 हमारे पास क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर जो भी चीजें होती हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो निग्लिजिबल हो जाता है, तो इस वजह से इसे हम एब्सोल्यूट 0 कहते हैं।